हेलो दोस्तों, मैं आज एक और नई रेसिपी के साथ आई हूँ। तो देखिए, मैं चावल का पिट्ठा बना रही हूँ। उसका इंग्रेडिएंट्स ये है, ये चावल का आटा है और ये गुड़ है, ये नारियल है, ये फ्रेश नारियल को मैंने कद्दूकस करा है, ये मावा है, ये ड्राई रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट्स है। सबसे पहले आटा को गूंदना है, तो मैं आटे को गर्म पानी, गुनगुना पानी है ये, देखिए इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल रही हूँ और इसको गूंद रही हूँ। ये देखिए, अच्छे से इसको गूंद लूंगी। ये मैंने 1 टेबल स्पून मैंने घी ली है, इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। ये गुड़ है, ये गुड़ को मैं कद्दूकस कर लिया था और इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये फ्रेश नारियल है कद्दूकस किया हुआ, और ये मावा है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, ये मिला लिए हमने सारे चीज़, और मैंने आटा भी अच्छे से गूंद लिया है। आटे में मैं अब स्टफिंग करूँगी। देखिए, इस तरह से आटा को लेना है, पेड़ा बनाना है इसका, और इस तरह से पेड़े बना के इसको ये करना है, और इसमें थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालना है। डाल के इसको उबाल के भी बनाया जाता है, पर मैं इसको स्टीम करूंगी। ये देखिए, अच्छे से इसको बिल्कुल अच्छे से प्लेन से गोल करना है, कहीं से फटा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो स्टफिंग है वो बाहर निकल के आ जाएंगे। और अच्छे से गोल कर देती हूँ। देखिए, अच्छे से गोल हो गया है, इसको ऐसे कहीं से फटना नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे गोल होना चाहिए। देखिए, मैं इडली मेकर में बनाऊंगी, इसको ऐसे रख देना है और ये देखिए मैंने स्टीमर चढ़ा दिया है, पानी गर्म है, बिल्कुल उबल रहा है। अब इसमें मैं स्टीम करूंगी इसको, ये देखिए इसको डाल दूंगी और 10 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ दूंगी। देखिए, अब ये सारे जो बच्चे हैं इसको भी इसी तरीके से मैं बना लूँगी, गोल करके इसमें डाल के, और सबको इसी तरह से बना के और स्टीम कर लेना है। ये देखिए, 15 मिनट हो गया है ये स्टीम होते हुए। अब इसको मैं चेक कर रही हूँ, तो गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ और इसको नीचे उतार लेती हूँ। इसको अब चेक करूँगी। ये देखिए, ये बन गया है, बिल्कुल स्टीम हो गया है। देखिए, अच्छा से बन गया है, गर्म है। ये देखिए, मैं एक को काट के दिखा रही हूँ कि ये पका या नहीं। ये देखिए कितना अच्छा से पक गया है, ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है ये पिट्ठा चावल का। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और बहुत ही यम्मी और डिलीशियस लगता है। दोस्तों, आप भी अपने घर पे बनाएं सर्दियों के सीज़न में, और बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें अपने परिवार के साथ। और मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ।